सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो मिक्सर एलिगेशन सीरीज का फर्स्ट वीडियो हो चुका है, जिसमें हमने सारी थ्योरी मतलब जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं हमने देखे और एप्लीकेशन भी देखी हमने, ठीक है, जिसमें जो एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आए थे सब देखे। तो एक तरह से कंप्लीट वीडियो था पिछला वाला, वेरी हेल्पफुल। आपने से कई लोगों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा पहले वीडियो देखिएगा, फिर ये पार्ट नंबर टू देखिएगा। इसमें हम लोग आज के वीडियो में एप्लीकेशन पर और ध्यान देने वाले हैं, एग्जाम में और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हम आज कैट, जैट, IFT, CMAT, स्नैप, SSC, IBPS, इन सब पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और ये समझेंगे कि एग्जामिनर हमसे क्या उम्मीद रखता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अप्लाइड वाला पार्ट उन कॉन्सेप्ट का जो हमने पिछले वीडियो में किया था, उसी का थोड़ा आज एक्सटेंशन करें, ठीक है। सवाल जितने भी आएंगे फ्रेंड्स, आपको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है, फिर सोल्यूशन देखिएगा। दिस विल बी अ वेरी क्रूशियल स्टेप, इसको इग्नोर मत करिएगा, खुद के एफर्ट बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे चीजें फॉर्मूला ड्रिवन नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट देखिए कि क्वेश्चन में क्या मिक्सिंग हो रही है, कैसे मिक्सचर्स बन रहे हैं, और जहां जरूरत पड़ी फिर हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉर्मूला, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसीजर ऑफ द क्वेश्चन, जिस पे ध्यान देना है। कई बार मल्टीपल मिक्सचर बनते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि वो मुश्किल है, नहीं, स्टेप ज्यादा हो सकते हैं पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस पूरा रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक। तो रिसेंट सवालों से शुरू करेंगे, थोड़ी कैट की बात करते हैं। सबसे रिसेंट कैट मतलब कैट 2020 का सवाल आपके सामने ये रहा। आप पॉज के ट्राई करेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं सॉल्व करने के लिए। चलिए, एक अलॉय बनाया हमने 3 मेटल से, ए, बी और सी। उनका प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम दिया है 3:4:7। अगर हम वेट के रेशियो की बात करते हैं, तो अगर इन मेटल्स का सेम वॉल्यूम लो गया तो फिर उनका वेट होगा 5:2:6 के रेशियो में, ठीक है। मतलब अगर आपने तीनों की वॉल्यूम 1, 1 और 1 ले ली, तो जो उस 1, 1, 1 सेम वॉल्यूम में वेट का रेशियो निकल के आएगा 5, 2 और 6। तो अगर आपको चाहिए कि भाई ये ध्यान रखना, जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये टोटल वेट का रेशियो नहीं है, ये सेम वॉल्यूम पर वॉल्यूम के वेट का रेशियो, बस इतनी बार ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए, अब ये तो इंफॉर्मेशन हो गई, अब देखते हैं क्या पूछा है। तो अगर पूरा अलॉय जो मिक्स करने के बाद अलॉय बनता है वो 130 kg का है, तो आपको बताना है कि मेटल सी कितना kg है, ठीक है। अब देखिए, हमें कई लोग सोचेंगे कि वेट का रेशियो लगा दो, नहीं, ये टोटल वेट का रेशियो नहीं है, जबकि 130 टोटल वेट है। पहले आपको ये पर वॉल्यूम के वेट रेशियो से टोटल वेट रेशियो निकालना है, फिर आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए वॉल्यूम मान लो 3, 4 और 7 है, क्योंकि रेशियो वही दिया है, ठीक है। पर वॉल्यूम रेशियो वेट वाला कितना है? 5, 2 और 6, ठीक। अब अगर वॉल्यूम 1 होती तो वेट 5 होता, पर वॉल्यूम यहां पे 3 है, तो वेट कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो आराम से 5 × 3, 50। यहां भी मल्टीप्लाई करो, मतलब कि पर वॉल्यूम वेट 2 है और वॉल्यूम 4 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 4 × 2, 8। और यहां करो 7 × 6, 42। तो 15:8:42 टोटल वेट का रेशियो हो चुका है। चलिए, बढ़िया बात है। टोटल करो कितना आ रहा है? 65। तो 65 यूनिट्स ये पूरा अलॉय बन गया आपका, जिसमें ये रेशियो इनका बना हुआ है ABC का, ठीक है। तो टोटल 65 यूनिट्स 130 केजी के बराबर अगर है, तो एक यूनिट डिवाइड कर दो, 2 kg के बराबर आ गया। अब आपको सी का वेट निकालना है, सी 42 है, तो 42 यूनिट्स इंटू 2 करिए, 84 kg के बराबर हो जाएगा। बस आपका आंसर आ चुका है, खत्म। बी ऑप्शन इज द आंसर, सिंपल है, ठीक है। उसी तरह बेसिकली डबल वाला हिसाब बना यहां पे, तो ए और बी कभी पूछेगा तो आराम से आंसर निकाल दोगे। 84 kg इज द आंसर फॉर सी, बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। आगे चलते हैं, आप पहले ट्राई करेंगे फिर सोल्यूशन देखिएगा, ओके। ये एक ही स्लॉट, 3 स्लॉट हुए थे कैट 2020 में, तो अक्रॉस द स्लॉट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। एक पिछले वीडियो में भी लास्ट में करवाया था, जिसका आंसर 92 आपको याद होगा आ रहा था, 92%। चल, ये देख लीजिए, एक सोल्यूशन है 40 लीटर की, जहां पर डाई और वाटर का रेशियो दिया है 2:3। अब इसमें आप पानी को ऐड करते हैं, ठीक, तो फिर ये रेशियो डाई और वाटर का 2:5, क्योंकि वाटर और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन बनी, इसका 1/4 आपको निकालना है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपने वाटर कितना ऐड किया वो तो पता ही नहीं है आपको, तो पहले जो वॉल्यूम 40 लीटर था अब कितना हो गया, तभी तो 1/4 करोगे, तो पहले वो तो निकाल लो कि वाटर कितना ऐड हुआ, तभी तो 1/4 कर पाओगे आप, बड़ा सिंपल है। तो पहले 2:3 था डाई और वाटर का, ये रेशियो ले रहे हैं, और फिर आपने मान लीजिए एक्स लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया, तो अब रेशियो 2:5 बन गया। अब एक्स को निकालना है हमको, यहां पे बात है 40 लीटर्स की,
ठीक है, बड़ा सिंपल है। दोनों केस में क्योंकि आपने वाटर ऐड किया है तो डाई की वॉल्यूम सेम रहेगी, तो दोनों तरफ डाई की वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, बड़ा सिंपल है। यहां डाई कितना होगा, 40 का 2/5 कर दीजिए, और यहां डाई कितना है, 2/7 करोगे आप, किसका, 40 या 40+x, 40+x, क्योंकि जब आपने वाटर ऐड किया वो डाई को नहीं बढ़ाएगा पर टोटल वॉल्यूम तो बढ़ाएगा ना सोल्यूशन का, उसी का तो रेशियो हो गया। ये दोनों डाई की वॉल्यूम से वाटर मिलाने से पहले और बाद में, एंड बिकॉज डाई की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, आप इनको इक्वल कर सकते हैं और यहां से आपको एक्स मिल जाएगा और काम आगे के लिए काफी सिंपल हो जाएगा। चलो भाई, 2 से 2 कैंसिल करा जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए। 7 को यहाँ पे ले आते हैं तो 280 हो गया, 5 को उधर ले जाइए तो ये 200 हो गया प्लस 5x आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5x कितना आ जाएगा फिर, 80 के बराबर आ गया और x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब जो पहले 40 लीटर था अब 16 ऐड कर दीजिए, 56 लीटर हो गया। बढ़िया, ये आपकी नई डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन गई। अब क्या करना है आपको, इसमें से आपको 1/4 बाहर निकाल लेना है और रिमेनिंग वाले की बात करनी है। अब देखिए, 1/4, 56 का 1/4 कितना होता है, 14 लीटर, तो बचा 42 लीटर और ये 2:5 वाली डाई टू वाटर का जो रेशियो है, बढ़िया, ठीक है। अब रिमेनिंग वाले में आपको कितना डाई ऐड करना पड़ेगा प्रपोर्शन को वापस 2:3 बनाने के लिए, कितना, तो इसको वाई मान लेते हैं, अब हमें डाई को ऐड करना है, ठीक है, डाई को ऐड करना है। चलिए बढ़िया, एक काम करते हैं, क्योंकि हमने डाई को ऐड किया है तो फिर वाटर का इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि वाटर सेम रहेगा यहाँ पे, दूसरे वाले का इस्तेमाल करना हर समय बेटर रहता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे वॉट इज वाई, जितना डाई आपको ऐड करना पड़ा प्रपोर्शन को वापस 2:3 बनाने के लिए, ठीक है। यहां पे वाटर कितना है, 42 का 5/7 कर दो आप, ठीक है, और यहां पे वाटर कितना है, दूसरा वाला वाटर का है 3/5 ऑफ वॉट, 42 या 42+y, 42+y, आपने डाई को ऐड किया, टोटल वॉल्यूम तो बढ़ाएगा ना, वाटर को भले ही चेंज ना करे, हो गया, बस सॉल्व करिए। 7 से 6 हो गया, 3 से डबल में कैंसिल होता है, ठीक है। ये अपना बन गया कितना, 50, तो 42+y 50 के बराबर है तो y 8 के बराबर आ गया, 8 लीटर इज योर आंसर, आपको 8 लीटर डाई को ऐड करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने ये स्टेप सिंगल में कई बार किया होगा, कैट ने बस यही काम 2 बार करवा दिया, जिसमें एक बार वाटर ऐड करवाया, एक बार डाई ऐड करवाया, स्टेप 2 बार हो गए, पर क्या मुश्किल बिल्कुल भी हुआ, तो सवाल ये उठता है कि हम क्यों सॉल्व कई बार नहीं कर पाते। बड़ा सिंपल, मल्टीपल स्टेप्स में हम थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जल्दी जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, पहले डाई ऐड, पहले वाटर ऐड किया फिर डाई, सेम ही चीज तो है, बस 2 बार करनी है आपको, एज सिंपल एज दैट। इसलिए कैट में सवाल, जैट में, आईएफटी में सवाल लेंदी आ सकते हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा आईएफटी का फ्लेवर देखा जाए यहाँ पे, आइए देखते हैं आईएफटी 2021, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ग्रोसरी शॉप का जो ओनर है वो ग्रेन्स की 2 वेराइटी खरीदता है, पहली वेराइटी की प्राइस दूसरे से डबल है, तो लिख लेते हैं, अगर दूसरे की एक्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे पर केजी की बात हो रही है, रुपीज पर केजी, तो पहले का 2x हो जाएगा, ये दो हमने प्राइस मान ली, इन दोनों को मिक्स करके वो 28 रुपीज पर केजी में बेचता है और उससे प्रॉफिट होता है 25%, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड वेराइटी को मिक्सिंग का रेशियो उसने रखा था 2:3, ठीक। अब देखिए, 2:3 में मिक्स किया, वॉट विल यू यूज, यू विल यूज एलिगेशन फॉर्मूला और वेटेड एवरेज, आपको मिक्सिंग का रेशियो दिया हुआ है, वो अननोन नहीं है, दिया हुआ है, तो आप यूज करोगे वेटेड एवरेज फॉर्मूला। चलिए, 2 × 2x प्लस 3 × x और नीचे 2+3 मतलब 5 आ जाएगा। ये उस मिला की जो चीज बनी, जो मिला के ग्रेन बना, उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है भाई। जो ओनर खरीदता है ना और फिर उसके बाद में बेचेगा कस्टमर्स को, कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। तो यहां पे ये फाइनल वाले ग्रेन जो मिक्सचर बना उसकी कॉस्ट प्राइस है, ये 28 के बराबर नहीं होगी, यहां पे इक्वल टू 28 मत लिखना, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है। और मैंने कहा था आपको, वेटेड एवरेज, एलिगेशन फॉर्मूला, इन सबको इस्तेमाल करने के लिए कई बार हमें एसपी को सीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आराम से, ठीक है। तो 28 सेलिंग प्राइस हो गई, 25% प्रॉफिट परसेंटेज है तो फैक्टर 1.25 हो गया, उससे डिवाइड कर दो आप, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का फैक्टर डिवाइड कर दिया आपने तो कॉस्ट प्राइस मिल गई, और 1.25 जानते हो कितना, 5/4 होता है, तो 28 यहां पे आ गया। अब ये कॉस्ट प्राइस आ चुकी तो अब इसको लिख सकते हो आप, तो 5/4 मतलब 5 नीचे रह गया, 4 ऊपर चला गया, बढ़िया काम हो गया। तो सीपी में कन्वर्ट करना मत भूलना, यही कल मैं बात कर रहा था,
फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है बस। तो 5 से 5 कैंसिल कर दिया, और एक काम करते हैं इनको सॉल्व कर लो, 4 + 3 7x दिख रहा है ये, और यहाँ पे 28 दिख रहा है और इनटू 4 दिख रहा है। 7 से 4 कैंसिल कर दिया आपने, तो x की वैल्यू 16 आ गई। ध्यान रखना 16 मार्क मत करना, यूनिट तो रुपीस पर केजी है, पर 16 पहले वाले का आया है, सॉरी दूसरे वाले का, तो पहले वाले का डबल होता है 32। पूछा पहले वाले का है मतलब 32 इज द आंसर, सी ऑप्शन। सिली मिस्टेक करके ए ऑप्शन मार्क मत करना, क्योंकि वो सेकंड वेराइटी का पूछा फर्स्ट का, देखो कितना सिंपल सवाल है IFT का, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए जैट की थोड़ी बात करी जाए, फिर इसके बाद थोड़े सिंपल सवाल लेंगे हम लोग, सीमैट स्नैप उन सब की बात करेंगे, वैरायटी पूरी कवर करने का प्रयास है यहाँ पे। सवाल पढ़िएगा पहले, खुद ट्राई करिएगा, और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप पॉज होकर पहले खुद ट्राई करिएगा। देखा आपने IFT और जैट के सवाल थोड़े लेंदी लगते हैं, पर मुश्किल बिल्कुल नहीं। चलिए, एक मिक्सचर है जिसमें तीन चीजें देख सकते हैं आप, वॉटर, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ठीक, अब वॉटर टोटल मिक्सचर का 1/3 है, और ए और बी का आपस का रेशियो 5:3 है। आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, जैसे ही रेशियो दिया है उसमें आप एक कांस्टेंट मान के वेरिएबल अज्यूम कर लो आप। तो हमने ये वाटर की हमको चिंता है यहाँ पे, ए की चिंता है और बी की चिंता है। ए और बी का रेशियो दिया है, तो आप इसको 5x और 3x मान लो। ए और बी को अगर आप मिलाओगे तो 8x बना। ठीक है, अब अगर वाटर 1/3 है तो ए और बी मिला के 2/3 होंगे, मतलब 8x आपका 2/3 है पूरे का, और वाटर आपका 1/3 है। अगर 2/3 दिया है तो 1/3 के लिए हाफ कर दो, तो अगर ये 8x है तो ये 4x हो जाएगा, बेहद सिंपल सी बात। तो वाटर भी 4x मिल गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने x से वेरिएबल लेना शुरू किया है तो फिर आपको सारी चीजें उस x के टर्म में ही चाहिए, तभी क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो पाएगा, वरना कॉम्प्लिकेट हो सकता है। चलो बढ़िया काम हो गया, तो अब देखते हैं क्या कर रहा है वो। बेसिक्स तो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग होगी, कई बार सवाल में इनिशियल स्टार्टिंग करना ही मुश्किल होता है, वो तो हमने कर ली। अब देखिए, अब हमें पानी इसमें, वी हैव टू रिमूव वाटर, तो एक मिक्सचर को हमने एक पोरस मीडियम से पास करा है, ये पोरस मीडियम वाटर को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेगा। पर यहां ध्यान रखिएगा, सिर्फ देखो वाटर को सिर्फ अब्सॉर्ब करते तो बड़ा सिंपल है कि हम इस 4x को 0 बना देते पोरस मीडियम से पास होने के बाद, पर थोड़ा थोड़ा पार्शियली ये ए को भी अब्सॉर्ब कर रहा है, कितना वो हमको नहीं पता, और यहीं पे जैट का खेल होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, मुश्किल बिल्कुल नहीं, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया, पर लॉजिकली ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब डरना मत, कितना अब्सॉर्ब किया बताया नहीं, तो हम निकालेंगे ना उसके लिए, और हिंट दिए आपको आगे। ठीक है, चलिए, टोटल मिला के ये जो पोरस मीडियम है इसने सिर्फ 200 ml अब्सॉर्ब किया है इनिशियल मिक्सचर का। ठीक, इसका मतलब शुरुआत में मिक्सचर कितने का, एक बार ऐड करो 12x, तो पोरस मीडियम से पास होने के बाद मिक्सचर कितने का बचेगा, 12x में से 200 हटा लेना, सिंपल सी बात। ठीक है, अब यहां पे वाटर जीरो हो चुका है, कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें। बी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं होता पोरस मीडियम में, और ए थोड़ा थोड़ा अब्सॉर्ब हुआ है, कितना हमको पता नहीं। तो अब पोरस मीडियम से पास होने के बाद ए मान लो अल्फा बचा, पर अपने को पता नहीं कितना। ठीक है, चलिए, अब जो ये रेजिडुअल कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर बचता है, मतलब पोरस मीडियम से पास होने के बाद जब वाटर हट जाता है और थोड़ा ए हट जाता है, उसके बाद जो बनता है उसमें ए और बी का रेशियो दे रखा है, मतलब 7:9। अब आप ये मत लिखना कि अल्फा अपॉन 9x, वो सब काम में मत जाना अभी, क्योंकि हमको अल्फा भी नहीं पता, एक्स भी नहीं पता। ठीक है, चलिए, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल बात है। दोनों चीजों में, प्रीवियस केस और जो लेटर वाला केस है, उसमें क्या नहीं बदला, बी की वॉल्यूम नहीं बदली है, और बी की वॉल्यूम दोनों से निकाल के आपस में बराबर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यही पूरा खेल है यहां पर। कोई बात क्लियर, कैसे देखो, यहां पे बी कितना है हमारा 3x, और पोरस मीडियम से पास होने के बाद बी कितना है, आप 12x में से 200 माइनस करोगे, वाटर तो हट ही चुका है, दो ही कॉम्पोनेंट है और उनका रेशियो 7:9 दिया है, तो इसमें से बी कितना होगा, 9/16, बिल्कुल 9 + 7 = 16 है, 16 में से 9 पार्ट्स बी के हैं, तो ये भी बी की वॉल्यूम पोरस मीडियम के बाद, ये 3x पहले, अब बी तो चेंज हुआ ही नहीं, वो तो अब्सॉर्ब हुआ ही नहीं, तो आप बराबर कर दो और यहां से आपका आंसर आ जाएगा, आंसर मतलब अभी x आ जाएगा, और x के बाद तो जो भी आंसर निकालना है बड़े आराम से काम बन जाएगा। तो चलो फ्रेंड सॉल्व करें, 3 से 3 कैंसिल करो, 16 को उधर ले जाओ और 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो 16x = ये 36x हो गया, -600 हो गया, और यहां पे 20x 600 के बराबर आ गया, और x 30 के बराबर आ गया। यूनिट आप जानते हो क्या होगी, ml, क्योंकि सारी बातें ml में चल रही है। ठीक है, तो अब देख लो, बड़ा सिंपल हो गया, 30 मतलब
ये 90 ml हो गया, ये 150 ml हो गया, ये 120 ml हो गया, बस। अब पूछ रहा है पानी कितना अब्जॉर्ब किया था, भाई वाटर पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है, पहले 120 ml वाटर था, पूरा अब्जॉर्ब होके जीरो बन चुका है, तो 120 ml ही अब्जॉर्ब हुआ होगा, काम खत्म। ठीक है, टोटल 200 अब्जॉर्ब हुआ है, उसमें से 120 वाटर है, तो बाकी जो 80 वो क्या रहा होगा, ए। ठीक है, तो 150 में से 80 अब्जॉर्ब हुआ होगा, बाकी आगे बढ़ गया होगा, तो आप अल्फा भी निकाल सकते हैं, अब जरूरत नहीं है, पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो, पर उससे पहले आंसर आ गया, कितना सिंपल है। ठीक है, देखा, ध्यान दें आपने, सवाल से हम डरे नहीं, हमने समझा क्या हो रहा है, अगर सवाल में क्या हो रहा है वो समझने से पहले अगर आप डर गए सवाल से, प्रॉब्लम है, समझ गए तो आपका आंसर 100% आएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल स्नैप का देखा जाए, दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे, बेसिकली दो मिक्सचर है यहाँ पे, ए और बी, तो ये ए और ये बी। ठीक है, अब यहां पे पहले अगर ए की बात करी जाए, तो यहाँ पे एक तो वाइन और वाटर की बातें हो रही हैं, दोनों को अलग अलग बना लेते हैं, वाइन और वाटर। अब ए की बात करोगे, यहां पे 10 लीटर वाइन है, वाटर बिल्कुल नहीं, तो जीरो लिख दो यहां पे, और बी की बात करो, यहां पे 0 वाइन है पर 10 लीटर वाटर है। अब क्या हुआ, देखिए, आपने 1 लीटर पानी बी से निकाल के ए में पोर कर दिया, बी से ए, तो यहां पे वाइन जीरो रहेगा, पानी एक कम हो गया, यहां पे पानी एक बढ़ गया, वाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस। अब आपने एक और काम किया, मिक्सिंग कर दी ठीक से आपने, ठीक है, अब आपने ए से बी 1 लीटर मिक्सचर शिफ्ट किया, उसके बाद का आंसर निकालना है आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए से बी करोगे तो प्योर कॉम्पोनेंट नहीं, मिक्सचर ट्रांसफर होगा, क्योंकि अभी मिक्सचर बन चुका है, कौन सा मिक्सचर, अब इसमें वाइन और वाटर 10:1 के रेशियो में है, मतलब कि अगर यहां पे आप मान लो 1 लीटर ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें 11 पार्ट्स बनेंगे, 10:11 वाइन ट्रांसफर होगी और बाकी 1:11 वाटर ट्रांसफर होगा, तो अगर मिक्सचर आप 1 लीटर ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें 10:11 वाइन होगी और 1:11 वाटर, तो बस यही ध्यान रखना है, आप एक मिक्सचर से कोई छोटा सा पार्ट भी, जैसे 10 लीटर, ये 11 लीटर है यहां पे, इसमें से 1 लीटर निकालोगे, तो उसमें भी रेशियो 10:1 का रहेगा, मतलब 10:11 वाइन, 1:11 वाटर, बस ये ध्यान रखना है, प्योर कॉम्पोनेंट अब शिफ्ट नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। चलो, तो 10 वाइन था पहले, तो कितना वाइन चला गया, 10:11 वाइन चला गया, और वाटर में क्या था, 1 था और 1:11 वाटर चला गया, यहां वाइन कितना आ गया, 10:11 वाइन आ गया, और वाटर 9 था और 1:11 ऐड हो गया। हाँ, बढ़िया, फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ गया, ये आ गया अपना 100:11, ये आ गया 10:11, ये आ गया 10:11 और ये आ गया 100:11, सही किया, हाँ बिल्कुल सही किया है, बढ़िया। चलिए, आप देखो क्या कंपेयर कर रहा है, ए का वाटर कंपोनेंट और बी का वाइन कंपोनेंट, ए का वाटर कंपोनेंट मतलब ये, और बी का वाइन कंपोनेंट, दोनों में ज्यादा कम है या बराबर है, इक्वल वैल्यू, सी ऑप्शन आंसर मार्क करिए, बात खत्म हो गई, सेम है दोनों चीजें। ठीक है, पहला मोर का है, दूसरा बी ऑप्शन लेस का है, पर तो सेम है, तो आपने सी ऑप्शन मार्क कर दिया, बस सिंपल सा सिस्टमैटिक आप टेबल बना लोगे, कुछ सेकंड में आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, स्नैप की बात हो गई, सीमैट का एक सवाल देख लेते हैं, एक मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, दो तीन सवाल और है, फिर वाइंड अप करेंगे। पेट्रोल और केरोसिन का एक मिक्सचर है यहां पे, अब देखिएगा 5 kg का मिक्सचर, उसमें 5% केरोसिन, ठीक, अब अप्रोक्सीमेटली कितना केरोसिन आपको एक मिक्सचर में ऐड करना है ताकि केरोसिन का परसेंटेज 10% हो जाए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं कई बार बोलता हूं ना कि जो चीज आपने ऐड करी है तो दूसरी अनचेंज रहेगी, तो उसका इस्तेमाल करो, यहां मैं ऐसा करना प्रिफर नहीं करूं, क्योंकि अगर 5% केरोसिन है तो पेट्रोल कितना होगा, 95%, तो 95 थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है कैलकुलेशन के लिए, 5 सिंपल है, तो यहां पे सीधा जो जिसको ऐड करो उसी को यूज कर लो आप। चलो, पहले केरोसिन कितना है बताओ, 5 kg का 5%, ठीक है, और आपने इनिशियल में कितना मान लो एक्स केरोसिन को ऐड किया है, तो फाइनली जो बना मिक्सचर कितने का बना, 5 kg पहले था, आपने एक्स ऐड किया, अब आपने केरोसिन ऐड करा है, टोटल तो बढ़ेगा ही वेट यहां पे, ठीक है, और इसका 10% टोटल का, आप 10% केरोसिन है, ठीक है, तो पहले इतना केरोसिन था, बाद में इतना केरोसिन है, 5% और 10%, पहले 5 kg फिर 5+ x kg, क्योंकि आपने x केरोसिन को ऐड किया है यहां पे,
और क्योंकि दोनों कैरोसिन के में आपने एक्स कैरोसिन ही ऐड करा है, तो आपको लेफ्ट में एक्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो दोनों आप वेट्स बराबर कर पाओगे। एक्स निकाल लो यहाँ से। एक काम करें फ्रेंड्स, पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 100 कैंसिल हुआ, 25 बचा, दिस इज 100x, यहाँ पे भी 100 कैंसिल हुआ, तो दिस इज 50 प्लस 10x, तो यहाँ पे 90x 25 के बराबर आ गया, तो x कितना आ गया 25/90 के बराबर। ये आंसर आप जानते हैं केजी में आया है, पर ऑप्शन सारे ग्राम्स में है, तो कोई बात नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अप्रॉक्सीमेट आंसर आप देख सकते हैं, पूछा और आएगा भी अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा है, सॉल्व कर लो। तो 2 से ये 18 हो गया, 7 कैरी फॉरवर्ड, 9 इंटू 7 इज 63, 7 कैरी फॉरवर्ड से 70 बनाएगा, 9 इंटू 7 इज 63, अगेन 277 कुछ लगभग आंसर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट पूछा है, तो 275 क्लोजेस्ट, और कोई करीब यहाँ पे आंसर है नहीं, तो बी ऑप्शन बड़े सिंपल तरीके से आपका आंसर बन गया, सेम चीज। ठीक है, चलिए दो सवाल और फिर कहानी कहता हूँ। एसएससी का एक सवाल है, आइए देखते हैं। 25 लीटर से मिक्सचर का, जिसमें 30% स्पिरिट है और ऑब्वियसली 70% वाटर होगा, अगर आपने 5 लीटर पानी मिक्स कर दिया इसमें, तो स्पिरिट का परसेंटेज देखना है। पहले निकाल लो स्पिरिट है कितनी, 25 लीटर का 30%, 30% मतलब 0.3 होता है, 30/100। ठीक है, अब आपने इस 25 लीटर के सॉल्यूशन में अगर 5 लीटर पानी ऐड किया है, तो स्पिरिट की क्वांटिटी में तो चेंज आएगा नहीं, तो यही इस्तेमाल कर लेना आप, बस नीचे जो क्वांटिटी आती है परसेंटेज निकालने के लिए टोटल वाली, वो 25 नहीं अब 30 हो जाएगी, क्योंकि 5 लीटर ऐड करना है आपको। ठीक है, तो ये स्पिरिट था, टोटल 25 से 30 हो चुका है, परसेंटेज निकाल लीजिए, काम खत्म आपका। 0 से 0 गया और ये 3 से 0.1 हो गया, मल्टीप्लाई करके 25% आपका आंसर आ जाएगा, 25% इज योर आंसर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऊपर प्लस 5 क्यों नहीं किया, वाटर ऐड किया है ना, तो स्पिरिट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बस टोटल को अफेक्ट करेगा, स्पिरिट को अफेक्ट नहीं करेगा वाटर। लास्ट क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का सवाल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं और फिर कहानी खत्म करेंगे। एक वेसल में मिक्सचर है 64 लीटर और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 7:3। ठीक है, आपने 8 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह 8 लीटर मिल्क रख दिया। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आप मिक्सचर निकाल के उतना ही लीटर क्या डाल रहे हो, वाटर या मिल्क? मिल्क। तो फॉर्मूला दूसरे वाले के लिए होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ध्यान से उसको दोबारा देखिए अगर नहीं देखा है तो फॉर्मूला यहां पे मिल्क के नहीं के लिए, क्योंकि आप रिप्लेस ही मिल्क से कर रहे हो, तो फॉर्मूला विल बी फॉर वाटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप वाटर का इनिशियल रेशियो भी ले सकते हो या इनिशियल क्वांटिटी भी ले सकते हो, बस रेशियो लो तो विद टोटल लेना। वो फॉर्मूला सिर्फ क्वांटिटीज और वॉल्यूम्स के लिए नहीं होता, रेशियोज के लिए भी फॉर्मूला रिप्लेसमेंट वाला चलता है, बट रेशियो कॉम्पोनेंट के आपस में मत लेना, विद टोटल लेना। तो हम यहां पर रेशियो से काम कर लेते हैं। चलिए, तो पहले आप बताओ कि वाटर का रेशियो कितना है शुरुआत में, 3/7 नहीं 3/10। आप बोलोगे सर क्वांटिटी ही निकालो इंटू 64 करके, निकाल सकते हो, पर दोनों तरफ 64 आएगा, वो कैंसिल हो गए, मतलब जब आंसर रेशियो में पूछा है आपसे 64 को वो तो कैंसिल होगा वैसे, तो हटाओ, पर रेशियो विद टोटल लेना। ठीक है, चलिए दिस इज वाटर, अब अपना रिप्लेसमेंट रेशियो यहां पे पुट करो। कैसे करोगे, टोटल वॉल्यूम 64 है, जितना हिस्सा निकाल रहे हो उसको निकालने के बाद कितना बचता है, उसके बाद आप मिल्क भी रिप्लेस कर लेते हो, तो टोटल स्टेप पूरा होने के बाद सेम रहता, पर बीच में कितना बचा, 64 में से 8 माइनस करो, बचेगा 56। ये रिप्लेसमेंट रेशियो आ गया आपका, जैसे 90 वो याद है 100 लीटर में 10-10 रिप्लेस करते हो, तो कितना करते हो आप, 90/100 0.9 बोलते हो, यहां पर यह बोल दोगे। पावर कितनी रखी जाए फ्रेंड्स, प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एक बार, जस्ट वन रिप्लेसमेंट, फिर दोबारा नहीं किया तो बस खत्म। ठीक, अब ये क्या आ गया आपके सामने, रिप्लेसमेंट करने के बाद ये फाइनल आया क्या, रेशियो, क्योंकि आपने शुरुआत में भी रेशियो लिया था, किसका रेशियो, वाटर विद टोटल, वाटर विद टोटल। सॉल्व करें, 8 से 7, 8 से 8, 7 into 3 21 और 8 into 10 80, ये वाटर बाय टोटल आया है, मतलब अगर टोटल 80 है तो उसमें से वाटर होगा 21 और मिल्क कितना हो जाएगा फिर 59। बस अब क्या पूछा है निकाल लो, फाइनल वैल्यू आ चुकी है, मिल्क बाय वाटर रेशियो पूछा है, तो 59:21 बोल देना। तो देखा फ्रेंड्स आपने, फॉर्मूले सिंपल होते हैं पर उनको अप्लाई करने के लिए वी हैव टू बी केयरफुल, इसमें मिल्क वाले के फॉर्मूला मत लगाना, इट इज फॉर वाटर, दूसरा कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं कि कॉम्पोनेंट का आपस का रेशियो मत लेना, इन छोटे रूल्स को आप ध्यान रखोगे तो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। तो यहां पे हमने ऑलमोस्ट काफी एग्जाम्स के सवाल देखे,
तो आई होप आपका एप्लीकेशन और क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो अपने कमेंट करिएगा फीडबैक्स, जो अच्छा लगा वो लिखिए, जो बुरा लगा वो लिखिए, फीडबैक्स क्रिटिसिज्म एवरीथिंग इज वेलकम, बिकॉज आपके फीडबैक्स ऑनेस्ट वाले बहुत यूजफुल होते हैं। कुछ बुरा भी है तो लिखिए, चैनल आपका है, आपके फीडबैक्स क्रूशियल होंगे, ठीक है। चलिए और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।